आगामी 23 तारीख को अपना 12वां बसंतोत्सव महोत्सव का आयोजन कर रही है। रोटरी भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में अब की बार हम सब लोग डॉक्टर वीरेन डंगवाल स्मृति साहित्य सम्मान यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार मान्यवर सुधीर विद्यार्थी जी को प्रदान कर रहे हैं। ठीक सीधे बैठ सी अरे अरे वो प्रमोद भी वही काम करेगा। प्रमोद तुम इधर आओ, वो लोग करने दो। अरे बसंत थोड़ा आगे आओ। सर क्या नाम आपका? राजेंद्र प्रसाद झंडियाल अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व है। बताइए सर, आज हम सब लोग यहाँ सभी लोग बैठ करके पत्रकार वार्ता में आप सभी लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि आगामी 23 फरवरी 2020 को स्थानीय रोटरी भवन बरेली में हमारा अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का 12वां बसंतोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस 12वें बसंतोत्सव में हम सब लोग एक तो अपना अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का एक तरह से हम लोगों का वार्षिकोत्सव भी होता है। हमारे समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर के इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। हमारे मध्य में इस समय हमारे यहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश भट्ट जी, हमारे संरक्षक श्रीमान दामोदर लोहानी जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान जे सी काला जी, हमारे संरक्षक श्री शाह जी, हमारे महासचिव श्री प्रमोद पंत जी और हमारे बसंत डालाकोटी, हमारे संयोजक सतीश नैतानी जी, हमारे समस्त कार्यकर्ता आनंद, हमारे सांस्कृतिक प्रभारी, हम ये सब लोग मिल करके हम सब लोग इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चीज़ है पंचम डॉक्टर वीरेन डंगवाल साहित्य सम्मान, और अब की बार का ये साहित्य सम्मान पुरस्कार हम सब लोग श्रीमान सुधीर विद्यार्थी जो प्रख्यात साहित्यकार हैं उनको प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोगों के मध्य में उत्तर प्रदेश में प्रथम उत्तराखंडी वर्तमान में जो विधायक हैं कानपुर गोविंद नगर में श्रीमान सुरेंद्र मैथानी जी, उनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। और हमारे बीच में श्रीमती आस्था अग्रवाल जो कि अभी मिसेस यूनिवर्स के कंपटीशन में चाइना में मिसेस यूनिवर्स एस्थेटिक लेडी का खिताब जिन्होंने जीता है उनका नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही हम लोग वृद्धजनों का सम्मान और उनका पूजन करेंगे और उसके पश्चात हमारे अल्मोड़ा से, हमारे खटीमा से, हमारे बरेली के सांस्कृतिक दल इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं जो कि हमारे श्रीमान जगदीश आर्य जी और हमारे आनंद जी जिन कार्यक्रमों का संयोजन कर रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड प्रवासियों के लिए वार पर उपलब्ध रहेंगे और उन तमाम हमारे उत्तराखंड प्रवासियों से हम आज अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे रोटरी भवन में आएं और हमारे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद। ठीक है सर।